कामाख्या काम संपने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माँ कामाख्या देवी। यह स्थान आज भी अपने अद्भुत चमत्कारों, रहस्यों और तांत्रिकी शक्तियों के लिए जाना जाता है। माँ कामाख्या का यह मंदिर आसाम गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है, जहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर के अंदर अन्य मंदिरों की तरह कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा ही फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा जल निकलता रहता है। तो आइए दोस्तों, आपको भी माँ कामाख्या देवी के अद्भुत रहस्यों और इसकी पौराणिक कथा को बताते हैं, साथ ही इस मंदिर के अंदर के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय माँ कामाख्या देवी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डी टू फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। वह राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इस बात का पता चला तो वे बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। इस तांडव से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ माता सती के अंग, वस्त्र और आभूषण गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। कुल मिलाकर 51 स्थानों पर माता सती के अंग गिरे थे और इन्हीं स्थानों पर बाद में शक्तिपीठ स्थापित हुए। माता सती के यह अंग जहाँ जहाँ गिरे थे, उनमें से कई स्थान तो काफी प्रसिद्ध हुए, जैसे कि गुजरात का अंबाजी मंदिर। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इस कारण यह स्थान काफी प्रसिद्ध हुआ। अगर आप भी यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, असम के गुवाहाटी में स्थित माता कामाख्या का यह स्थान काफी अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर नीलांचल पर्वत पर माता सती का योनि भाग गिरा था, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। हर वर्ष यहाँ अंबुवाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यह मेला 3 दिन तक चलता है। उन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद 4th दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को दर्शन के लिए पुनः खोल दिया जाता है। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार और अब कलयुग में यह प्रत्येक वर्ष 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व है, उसी प्रकार यहाँ अंबुवाची पर्व का महत्व है। दोस्तों, बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिछाया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसा लाल हो जाता है और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्ध शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह मंदिर अपने आप में अनोखा है।
संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती है। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी दयताम सदा शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वश्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अंबुवाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए हल्का लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी की मासिक धर्म के कारण होता है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में यहाँ पर अंबुवाची मेले का आयोजन होता है। अंबुवाची के इन 3 दिनों में इस नदी में स्नान करना वर्जित होता है। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। इसके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि माता के 51 शक्तिपीठों में उस शक्तिपीठ के भैरव भी विराजमान है। इनके दर्शन के बिना शक्तिपीठ के दर्शन अधूरे होते हैं। माँ कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में स्थित है। माँ कामाख्या का मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ है, जिसका मैप आप देख सकते हैं। यह मंदिर तांत्रिकों का एक प्रमुख सिद्ध पीठ है। माता कामाख्या की तांत्रिकों द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा माँ कामाख्या देवी को हर इच्छा पूरी करने वाली देवी माना जाता है। दोस्तों, आप 51 शक्तिपीठों की कथा के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अगर आप इन सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने संपूर्ण 51 शक्तिपीठों की कथा और दर्शन करवाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड में मिल जाएगा। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। माँ कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ सड़क, वायु और रेल मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। आमतौर पर इस मंदिर में दर्शन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 2:30 बजे से 5 बजे तक होता है। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। आप टैक्सी या बस के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप रेल के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ के मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कामाख्या रेलवे स्टेशन भी स्थित है। यहाँ भी कुछ समय के लिए कुछ ट्रेनें रुकती है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। लेकिन आप अगर सड़क मार्ग से यहाँ पर आना चाहते हैं तो दोस्तों, असम का गुवाहाटी देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप गुवाहाटी शहर से स्थानीय टैक्सी या ऑटो के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं। गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। आपको आने जाने के लिए स्थानीय परिवहन की सुविधा भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप भी माता को मानते हैं तो कमेंट में जय माँ कामाख्या जरूर लिखें।